जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। इस वक्त हम दो ऐसी खबरें लेकर के आए हैं जो झारखंड की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बेहद गंभीर है। सबसे पहले खबर हम आपको बताते हैं, वो खबर है ईडी से जुड़ी हुई, और ईडी ने झारखंड सरकार के आला अधिकारियों से राजसभा हॉर्स ट्रेनिंग मामले में दस्तावेज की मांग की है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ईडी ने राजसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामला 2016 में शीर्ष पुलिस अधिकारी और रांची एसपी को पत्र लिखा है। पत्र में राजसभा हॉर्स ट्रेडिंग 2016 से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई है। बता दें कि इस मामले में चुनाव आयोग के निर्देश पर जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन सीएम के प्रेस सलाहकार को अभियुक्त बनाया गया है। सीएम के प्रेस सलाहकार को अभियुक्त बनाने के बाद में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद इस मामले में तत्कालीन सीएम रघुवर दास को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। साथ ही इस मामले में पीसी एक्ट की धाराएं जोड़ी गई है, और पीसी एक्ट की धाराएं जोड़ने जाने के बाद इस मामले की जांच डीएसपी को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी के स्तर पर इस मामले को बंद करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें हाल के दिनों में सिटी एसपी ने इस जांच रिपोर्ट को बंद करने पर भी सवाल उठाए थे। वहीं इस पुलिस से मिले दस्तावेज के तथ्यों की कानूनी नज़रिए से समीक्षा के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने पर अंतिम निर्णय होगा। देखना होगा कि अब ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला फिर से एक बार जिस तरह से बाहर निकला है, आगे क्या कुछ होता है, इस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है, और जैसे कुछ अपडेट आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। सबसे बड़ी खबर मैं आपको हम बताना चाहेंगे कि राजभवन और झारखंड सरकार के बीच फिर से तल्खी बढ़ गई है, और ये तल्खी बढ़ी है टीएससी गठन को लेकर। टीएससी के गठन पर राजभवन ने कुछ सवाल उठाए हैं, और उन सवालों का जवाब मौजूदा राज्य सरकार से मांगी गई है। क्या है तो राजभवन और झारखंड सरकार के बीच तल्खी बढ़ने लगी है। एक बार फिर राजभवन और झारखंड सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। इस बार वजह है जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएससी, इसे लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इस विवाद को एक बार फिर हवा मिल गई है। इसे लेकर राजभवन ने झारखंड सरकार से सवाल किए हैं। टीएससी की बैठक पर राजभवन के क्या हैं सवाल, वो हम आपको बताते हैं कि लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद के बढ़ने के बाद टीएससी की बैठक के बाद और बढ़ने लगी है। राजभवन की तरफ से टीएससी की गठन की नियमावली असंवैधानिक बताने के बावजूद टीएससी की बैठक आयोजित कर दी गई। इस बैठक को राजभवन ने गंभीरता से लिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार से पूछा है कि आखिर राजभवन की आपत्तियों के बावजूद जवाब दिए बगैर कैसे टीएससी की बैठक आयोजित की गई। इतना ही नहीं, इसे संविधान की 5वीं अनुसूची के प्राविधानों के खिलाफ भी बताया गया है। इस मामले पर अब तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि इस सवाल पर जब हमने टीएससी के सदस्य मौजूदा मंत्री चंपई सोरेन से जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका जवाब दे दिया जाएगा, और जो भी सवाल राजभवन की तरफ से उठाए गए हैं उसका जवाब उचित समय पर उचित तरीके से दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कुछ साफ साफ कहने से इनकार किया। झारखंड सरकार ने टीएससी के गठन से संबंधित फाइल स्वीकृति करने के लिए राजभवन को भेजी थी। राजभवन ने इसे असंवैधानिक बताते हुए वापस कर दिया था, और इसमें जरूरी संशोधन का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया और टीएससी की बैठक बुला ली। पूरा विवाद इसी को लेकर के है। राज्यपाल ने टीएससी के गठन की फाइल कानूनी सलाह लेकर लौटाई थी। गठित नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए राजभवन की तरफ से कहा गया था
कि टीएससी के गठन में कम से कम दो सदस्य का मनोनय राजभवन की तरफ से होना चाहिए। इसे लेकर पांचवी अनुसूची के तहत नियमावली पर भी उनकी स्वीकृति जरूरी थी। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के वक्त का है ये मामला। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के वक्त का है। आपको बता दें कि यह मामला तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के वक्त का है। टीएससी के गठन का विवाद नया नहीं है। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के समय से ही इसे लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने भी राजभवन से दो सदस्यों के मनोनय नहीं होने पर सवाल उठाया था। सरकार ने उस वक्त भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर इसे लेकर विवाद बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अचानक यह विवाद कैसे बढ़ा है। तो झारखंड सरकार ने टीएससी के गठन को लेकर नई नियमावली गठित कर दी है। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि फाइल राजभवन की स्वीकृति के लिए नहीं भेजी जाएगी। नई नियमावली में अब टीएससी के गठन को लेकर सदस्यों की नियुक्ति में राजभवन का अधिकार नहीं होगा, इसे खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह नियमावली छत्तीसगढ़ के तर्ज पर बनाई गई है। टीएससी की बैठक को लेकर जो नई नियमावली बनाई गई है उसमें मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही सदस्यों की नियुक्ति होगी। इस नियमावली में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बनाई गई है, जहां सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। राज्यपाल ने इसकी जानकारी उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति तथा केंद्र गृह मंत्रालय को भेज दी थी। अब इसे लेकर हुई बैठक के बाद विवाद बढ़ रहा है और यह विवाद आगे कहां तक पहुंचेगी, क्या कुछ जवाब राज्य सरकार देगी, क्योंकि जिस तरह से राजभवन ने सवाल उठाए हैं और सवाल पूछे हैं तो उसका जवाब भी अब राज्य सरकार को देना है। तो देखना होगा कि आखिर ये मामला कितना तुल पकड़ता है और झारखंड की सियासत में क्या कुछ रंग लाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।